मेरा मन प्रेजेंट हो रहा है, मन कर रहा है, जरूर खुश हुआ है, बहुआ को जरूर खुश हुआ है, और आप फोन करते हैं तो पता चलता है कि बीमार हो गया है, मन जुड़ा हुआ है। ये मन जब एक इंसान का एक इंसान से जुड़ सकता है तो इसी इंसान का उस परमात्मा से, उस शिव से जुड़ सकता है। यही विधान है, यही तरीका है, कोई खास अलग से कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है, सारे मंत्र बेकार हो जाते हैं अगर मेरे मन का भाव उसमें शामिल नहीं हो तो, किसी मंत्र से, किसी साधना से, किसी उपासना से कुछ नहीं होगा। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर आपका मन इस ठाकुर में फंसा हुआ है तो इससे मुक्त होइए, क्योंकि महादेव की शिष्यता, महादेव का शिष्य होना हर अंधविश्वास से हमको आपको मुक्त करता है, इससे दूर करता है, हमारे मन को समझा देता है कि आपके महादेव बहुत बलशाली हैं, उनसे बलशाली कोई नहीं है। आपका मन अगर उससे जुड़ गया तो आपके शरीर या मन के सारी चिकित्सा तो ऐसे ही हो जाती है, फिर भी अगर कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर से दिखाइए और दवा खाइए, जो कहते हैं वो करिए, खान पान अपना ठीक करिए और ठीक हो जाइए। जीवन देखिए कितना है आप लोग नहीं जानते, हमारा जीवन कितना है हम लोग नहीं जानते, लेकिन जितना ही है उस जीवन में महादेव की पुकार हो जाए, महादेव का नाम हम कह लें, इससे सुंदर जीवन और कुछ भी नहीं हो सकता। आइए हम सब अपने मन में शिव को स्थापित करें। कल को आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, लेकिन हमारा आपका ये मिलना कम से कम इतना हो जाए कि महादेव आपको याद आते रहे। हम लोग भूल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो महादेव जिसकी बात लेकर हम लोग आए हैं वो आपके मन को याद आते रहे। मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी जो अनुभूति है वो ये है कि साहब जी ने एक दिन शुरू गुरु बनाया, और दुनिया में अगर कोई भी शरीर खाली गुरु भी होता है कोई, या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो सबसे पहले सम्मान सुविधा सब कुछ बढ़ा लेते हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके जीवन को, ऐसा नहीं कि वो उनके पास लौकिकता में कुछ नहीं था, वो डिप्टी कलेक्टर के पद में रहकर महादेव की शिष्यता का आलाप लगाते रहे। अपने रिटायरमेंट में 2008 में जब वो रिटायर हुए तो पटना में ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट से रिटायर हुए थे, सरकार में एक बड़ा पद होता है, और उन्होंने अपने जीवन में किसी का एक पान भी मुफ्त में नहीं खाया है। ये हम लोगों ने अपने घर में उनको देखा है ऐसा, और सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे पेशेंट हैं, लेकिन उन्होंने एक ही बात उस समय में बोली थी जब कोई सर्विस नहीं था, जब करोड़ों हो गए तब भी उन्होंने यही बात बोली कि खुद भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी प्रेरित करें, बढ़ाइए पर मेरा साथ छूट सकता है, इनका साथ छूट सकता है, लेकिन महादेव बहुत ताकतवर है, उनका साथ नहीं छूट सकता। परेशानी दुख दर्द उसको कह दीजिए कि मेरा जो है भगवान, मेरा जो है गुरु वो बड़ा है, तुम बहुत छोटे हो, इन परेशानियों से कह दीजिए। और जिस दिन आपका मन ये कह देगा, परेशानियां तो रहेंगी लेकिन मन उसका प्रभाव लेना बंद कर देता है परेशानियां है तो, लेकिन मन में उसका प्रभाव ही नहीं। तो हम सब इसी अनुरोध को फिर से दोहराते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी सांसें हैं, जितना भी जीवन उस महादेव ने दिया है, सबके लिए हमने किया है, ये जानकर हुए भी किया है कि जीवन का कोई रिश्ता हमारे साथ हमेशा नहीं रहा, कोई पूरी तरह अपना नहीं हो सका, तब भी करते हैं। एक महिला आई थी एक बार जबरांची साहब शरीर में थे, उसने कहा एक गुरुमंत भी हो, उन्होंने कहा कि साहब कभी कभी दुख होता है तो लगता है किसी रिश्ता ही छोड़ देते हैं, महादेव को गुरु बनाकर भी दुख है तो लगता है कि छोड़ दे। साहब ने कहा कि क्या तुमने कभी अपने पति को छोड़ने का सोचा है, उनको था उस समय भी, क्या अपने बच्चे को छोड़ दिया है, क्या और लोगों को जिसको अपना समझती हो सबको छोड़ दिया है, दुख तो है
तो है समस्या आती है घर में सब कुछ खत्म हो गया है वैसा नहीं है हम आत्मा खा के रहते हैं लेकिन उस समय भी हम अपने बच्चे को छोड़ने का सोचते भी नहीं है हम बिस्तर पकड़ लेते हैं कैंसर किडनी जैसे असाध्य रोग से ग्रसित हो जाते हैं उस समय भी हम नहीं सोचते कि मेरा जो अपना है इस जगत में उसको हम छोड़ दें तो क्या शिव सबसे ज्यादा प्रेरणा है उस शिव ने ही सब कुछ दिया है ये जीवन ये सांसें इस जीवन के सारे लोग हर चीज हर पल जो इतना सुंदर है जो इतना अच्छा है उस महादेव ने दिया और हमने महादेव का नाम भी नहीं लिया तो हमें उस गुरु को दक्षिणा देना होगा ना तो दक्षिणा देने के लिए सामान तो उनको चाहिए नहीं पैसा उनको चाहिए नहीं तो उनको क्या चाहिए आपके हमारे मन का भाव यही जो हम कहते हैं शिव की चर्चा यानी अगर हम अपने गुरु की बात ही कर लेते हैं दूसरों से तो ये सबसे अच्छी बात है पूजा में क्या होता है पूजा और शिष्यता के बारे में हमने कहा पूजा में हम पूरा विश्वास रखते हैं पूरी श्रद्धा रखते हैं पूरा समर्पण करते हैं और उसी मूर्ति या उसी तस्वीर या उसी शिवलिंग के सामने खड़े होंगे खूब गुणगान करते हैं कहते हैं महादेव तुम कितने अच्छे हो हे महादेव तुम कितने दयावान हो करुणा के अवतार हो सब कुछ हो लेकिन साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता में अगर विश्वास नहीं है तब भी अश्रद्धा है तब भी संशय है यानी शंका है कि गुरु है भी कि नहीं है शरीर में तो है नहीं वो तब भी अगर आपका मन ये समझ लेता है कि जो मेरे गुरु है तो वो शिव आपके गुरु होंगे ही होंगे और इससे सुंदर पूजा और क्या होगी कि हम उनके सामने खड़े होकर अकेले में जो बड़ाई करते हम उसकी बड़ाई क्यों नहीं पूरी दुनिया में करते हर व्यक्ति से कहते कि वो महादेव कितना अच्छा है उसको अपना बनाइए तो ये सबसे सुंदर गुरु दक्षिणा है अपने शिव के लिए आइए हम सब उसमें अपनी सहभागी करें अपने जीवन में कुछ समय हर रिश्ते के लिए जैसे देते हैं अपने गुरु के लिए भी अब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं आप लोगों से फिर अगर भेंट हो सकेगी तो जरूर होगी और नहीं भी और हो सकेगी तो आप जहाँ भी रहेंगे आपके गुरु भी शिव होंगे मेरे गुरु भी शिव होंगे इसके कारण मेरा आपका हम सब का एक रिश्ता तो हमेशा रहेगा ही रहेगा गुरु भाई का गुरु बहन का गुरु एक है गुरु के रास्ते में चलने वाले लोग एक है ये रास्ता भी एक ही है हम सब जब शिव की बात करते हैं हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं हम अपने जीवन में क्या है उसको भूल जाते हैं लेकिन नहीं भूलते बस एक बात नहीं भूली क्या महादेव के लिए साहब ने कहा कि आई लव यू मैं तुमको प्यार करता हूँ मैं तुमको प्रेम करता हूँ तुमको अपना समझता हूँ तुमसे ज्यादा अपना किसी को नहीं समझता बस यही यही बात यही सोच हमको शिव की तरफ लेकर चलती रहेगी आप सभी के चरणों में प्रणाम है आप धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि जगह कम है और दिक्कत में आप बैठे हैं लेकिन कोई बात नहीं महादेव की दुनिया है अव्यवस्था नहीं दिक्कत नहीं अपने महादेव की बात करने हम लोग बैठे हैं तो कोई दिक्कत हो भी जाए तो कोई बात नहीं है अपनों के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है ठीक है आप सभी के चरणों में प्रणाम